पड़ेगा, लेकिन जो इंसान का प्रायोरिटी है माने सर्विस टू मैन, इंसान का अगर कोई उसका भी शादी का भी प्रोग्राम हम लोग 5 लड़की या 6 लड़की 7 लड़की जो हो सकेगा शादी का भी प्रोग्राम का हम लोग लिया है। और ब्लड डोनेशन कैंप हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो, आई चेकअप कैसा अदारा है कि माशाल्लाह हर चीज़ में अपने वो अदारा आगे बढ़ के काम करता रहता है, जिसमें हम लोग की इस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी मुबीन चा ये अपने तन मन धन हर चीज़ से इस कमेटी के लगे रहते हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इनके साथ मुझे काम करने का और सीखने का मौका मिला। कोशिश करते रहना चाहिए हर मामले में, इसलिए इस तंजीम को मैंने कहा है कि जिस तरीके से इस्तेमाई शादी का प्रोग्राम हम लोग करते हैं आप लोग भी कीजिए। हम लोग तन से मन से धन से सलाम का वक्त है, बहुत जोर से सलाम बिहार में आने वाला और अभी तो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह नहीं आए और ज़्यादा तबाही नहीं हो। हम लोग का दुआ तो यही रहेगा सबसे पहले कि कोई तबाहकारी हुआ ना मचे, इन केस कोई भी तबाहकारी अगर हुआ अल्लाह ना करे तो हम लोग अपने इस अमन फाउंडेशन के बैनर के नीचे से जाके हम लोग रिलीफ लेके सारे लोग को लेके हम वहाँ जाएंगे, जो लोग जाना चाहें उनको लेके जाएंगे और रिलीफ का काम करेंगे। इंसानियत का बहुत बड़ा ड्यूटी फर्ज है, इसलिए भूखों को खास करके अभी जिस तरीके का दौर और माहौल चल रहा है, गुर्बत ही जिस तरीके से चल रही है, अच्छे अच्छे लोगों का काम पर बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उन लोगों को मदद करने के लिए हमने अपील किया है। और उम्मीद करते हैं इस तंजीम की जानिब से या और जितनी भी तंजीमें हैं उनको अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर करके इंसानियत के साथ आप इंसानों के साथ काम करना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब ऐलान हम लोग कर दिए तो इंशाअल्लाह भाई खुद ही अपना जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे जितना हो सकेगा, हर साल करते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी रही तो इसी तरीके से लेके चला जाएगा अच्छे ही ढंग से। अगर आपकी सरपरस्ती रहेगी तो इंशाअल्लाह ये है कि जैसे कि सौराभ भाई आए थे तो सौराभ भाई वहाँ एक प्रोग्राम जो है वो किला बगान बैतुल महल में रखते हैं, शादी का प्रोग्राम रखते हैं, तो मेरा एक्चुअल यही मकसद था कि वो जो शादी का प्रोग्राम वहाँ गरीब बच्चियों की शादी जो हो रही है, इसी तरीके से 43 वार्ड में परवेज़ इकबाल, अब्दुल्ला भाई, मुबीन साहब जैसे लोग इसमें जो है इस तरीके का शादी का एक प्रोग्राम स्टार्ट हो। हाय दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं आज कोलकाता के हफीज़ होटल में एक नहायत ही शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब सेंट्रल कोलकाता अमन फाउंडेशन की जानिब से थी। जैसा कि आप जानते हैं अमन फाउंडेशन गुज़्तर 2 वर्षों से लगातार सामाजिक महाज पर काम करता रहा है। इस बार उसने ऐलान किया कि गरीब लड़कियों की वो शादी का अहतमाम करेगा। इसके लिए उन्होंने मारूफ समाजी कारकुन साबिक MLA जनाब मोहम्मद सोहराब साहब से उन्होंने अपील की और कहा कि चूँकि आप बैतुल माल की तरफ से लड़कियों की शादी का अहतमाम करते हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर उसी तरह से शादी का अहतमाम किया जाए। मोहम्मद सोहराब ने उनकी बातों को तस्लीम किया और ये यकीन दहानी कराई कि वो इसका इंतज़ाम करें, वो हर मुमकिन और हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि जानते हैं इस मीटिंग की खसूसियत ये रही कि 2 नए चेहरों को अहदे पर लाया गया, उनमें अब्दुल्ला खान और दानिश अखलाक साहब हैं, इन दोनों को कमेटी के बड़े पोस्ट पर लाया गया और जो कमेटी के पहले पुराने अहदेदार हैं वो अपनी जगह पर महफूज हैं और वो अपना काम करेंगे। इन लोगों को ख़ास तौर से इस अहदे पर लाया गया। और मीटिंग की और एक बड़ी बात ये रही कि ये अदारा बरसों से समाजी महाज पर आकर मुख्तलिफ तरह के कामों में मसरूफ़ रहा है और आइंदा भी ये अहद किया गया कि इसी तरह से ये काम करता रहेगा। और इस मौका पर मौजूद मोहम्मद सोहराब ने अपनी तकरीर में कहा कि पश्चिम बंगाल ने पूरे हिंदुस्तान को बचा लिया है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि यहाँ के लोगों ने, ख़ास तौर मुसलमानों ने, तृणमूल कांग्रेस को मुंतखब करके बीजेपी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को जो एक तबाही के तरफ जा रहा था उसे बचा लिया।
जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिसी लेकर काम करती है और ज़्यादातर मामलों में मुसलमानों की मुखालफत करती आ रही है। आप जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो है चुन चुन कर मुसलमानों को निशाना बना रही है, उन्होंने इसकी मिसाल दी कि आज़म खान को पकड़ लिया गया और आज तक जेल में उन्हें रखा गया है और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है आज़म खान को भी मार दिया जाए। उसी तरह मुख्तार अंसारी को भी ले जाया गया है। इस तरह से उन्होंने बहुत सी मिसालें दी और उन्होंने कहा कि चूँकि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की क़यादत में यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त दे दी है, इसलिए उसको हार का ना सिर्फ सामना करना पड़ा है बल्कि वो अपने उसका जो जोर था उसमें वो नरमी आई है, कमी आई है और आइंदा इसको और ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं असेंबली के चुनाव है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों ने मिलकर यहाँ बंगाल में बीजेपी का सफाया कर दिया उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का सफाया किया जाए। उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया के लिए पर जो लोग काम करते हैं उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि ज़रूरत पड़े तो वह खुद वहाँ उत्तर प्रदेश में जाकर वो लोग काम करें और वो इस मामले में भी वो हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। इस मौके पर मौजूद मोहम्मद मुफी, जहांगीर खान और दीगर शुरका ने अपनी बातें रखी और ये अहद किया कि वो अदारा को आगे ले जाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वो चाहेंगे कि अदारा दिन दुनी रात दुनी ना सिर्फ तरक्की करे बल्कि समाज ही जो काम है उसमें भी वो हिस्सा लें। इस सिलसिले में हमारी चंद लोगों से बातचीत हुई है, उसमें मोहम्मद सहराज साहब, दानिश अखलाक साहब, मोहम्मद मुबीन और उस इलाके की कोऑर्डिनेटर के शौहर और तृणमूल कांग्रेस के नेता परवेज इकबाल साहब भी मौजूद थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। अब्दुल्ला खान जो अहदे पर लाया गया है उनसे बात हुई है। आइए हम लोग सुनते हैं कि इन लोगों का न सिर्फ अदारे के बारे में क्या कहना है और आइंदा अदारा क्या काम बुलाया गया और अपनी ख्याल जाहिर करने का मौका दिया गया। हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से तंजीम चलती है और किस नेक नियति से तंजीम को चलाना चाहिए हमने बातें रखी है और आप बात कि हर एक इंसान को सामाजिक काम हो, दीनी काम हो, दुनियावी काम हो, सभी काम को करना पड़ेगा लेकिन जो इंसान का प्रायोरिटी है माने सर्विस टू मैन, इंसान का अगर कोई खिदमत करते हैं तो अल्लाह उसके साथ बहुत और बेहतर करता है और अल्लाह बहुत खुश होता है। तो एक इंसान का मदद एक इंसान को हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए हर मामले में। इसलिए इस तंजीम को मैंने कहा है कि जिस तरीके से इज्तमाही शादी का प्रोग्राम हम लोग करते हैं आप लोग भी कीजिए, हम लोग तन से मन से धन से हर तरीके से सपोर्ट करेंगे और भूखे को खाना खिलाना एक इंसानियत का बहुत बड़ा ड्यूटी फ़र्ज है। इसलिए भूखों को खास करके अभी जिस तरीके का दौर और माहौल चल रहा है, गुर्बती जिस तरीके से चल रही है, अच्छे अच्छे लोगों का काम पर बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उन लोगों को मदद करने के लिए हमने अपील किया है और उम्मीद करते हैं इस तंजीम की जानिब से या और जितनी भी तंजीमें हैं उनको अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर करके इंसानियत के साथ इंसानों के साथ काम करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। शहर में बहुत सारे मिलिए मैंने अपने स्पीच में भी यहाँ बोला कि बहुत सारे तंजीम लोग खोलते हैं वो अपने 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 मकसद के लिए, किसी को सियासत का मकसद रहता है वो अपने सियासती फील्ड को बनाने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, किसी को कोई कमर्शियल काम करना रहता है या अपना कुछ बिजनेस करना रहता है उस तरीके से सोशल काम में जुट जाते हैं और बहुत सारे काम है, बहुत सारे उल्टा सीधा काम हरकती होता है। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों की जानिब से कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखिए वक्त अच्छा बुरा आता है, अभी बहुत बुरा दौर चल रहा है, ऐसा दौर बहुत पहले हुआ करता था, लोग बिना खाए पके सोते थे, खाना नहीं मिलता था, रोज़गार नहीं होता था, कपड़ा नहीं होता था घर के लोगों का, लेकिन आज फिर उस हालात में एक ऐसा वक्त आ चुका है। इसलिए इंसान को अभी से गौर और फिक्र करना चाहिए कि खर्चात किस तरीके से करना हो या पैसा कैसे बचाना है या पैसा अगर कुछ है भी तो कौम और मिल्लत के साथ और इंसानियत के साथ किस तरीके से कैसे लोगों को खर्चा करना है और लोगों तक पहुंचा करके उसको सपोर्ट करना चाहिए। सर बहुत सारे कमेटी तो काम कर रही है और बाकी
ही मैं उम्मीद करता हूँ और बहुत सारे लोग जो तंजीम काम करती है उसके साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं कि नहीं ये कई ये लोग, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों के जानिब, मीडिया के जानिब से, कि और भी लोग जुटे और हर तरीके से कमेटी के लोगों को चाहिए ब्लैक एंड वाइट में, माने हर साल का साल हिसाब व किताब रुपये आना पैसा से प्लेस कर दें जनरल जनरल मीटिंग में, ताकि लोग बढ़ चढ़ कर करके और भी ताउन करने की कोशिश करेंगे। और इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काम करें, शुक्रिया। फील तो बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, जितने मेरे बुजुर्ग बाप चचे लोग हैं आज उनके साथ एक काम करने का मौका मिला। और अमन सेंटर, सेंट्रल कोलकाता अमन फाउंडेशन एक ऐसा अदारा है कि माशाल्लाह हर चीज़ में अपने वो अदारा आगे बढ़ के काम करता रहता है, जिसमें हम लोग की इस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी मुबीन शाह, ये अपने तन मन धन हर चीज़ से इस कमेटी के लगे रहते हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इनके साथ मुझे काम करने का और सीखने का मौका मिला। इंशाअल्लाह जब ऐलान हम लोग कर दिए तो इंशाअल्लाह भाई खुद ही अपना जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे जितना हो सकेगा। तो हर साल करते रहे अमन फाउंडेशन अदारा को आज स्टेबलाइज किए हुए 2 साल हुआ। 2 साल पहले ये हम लोग बनाए थे ये कमेटी, जो आज तक चल रही है, आज जो हम लोग से हो रहा काम करने का हम लोग कर भी रहे हैं और बैठेंगे और हम लोग साथ में और बहुत सा प्रोग्राम बनाएंगे। चाहे बिहार में भी सैलाब का वक्त है, बहुत जोर से सैलाब बिहार में आने वाला आ रहा, अभी तो दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह नहीं आए और ज़्यादा तबाही नहीं हो। हम लोग का दुआ तो यही रहेगा सबसे पहले कि कोई तबाहकारी हुआ ना मचे, इन केस कोई भी तबाहकारी अगर हुआ अल्लाह ना करे तो हम लोग अपने इस अमन फाउंडेशन के बैनर के नीचे से जाके हम लोग रिलीफ लेके सारे लोग को लेके हम वहाँ जाएंगे, जो लोग जाना चाहें उनको लेके जाएंगे, वहाँ रिलीफ का काम करेंगे हम लोग अभी फ़िलहाल। उसका भी शादी का भी प्रोग्राम हम लोग 5 लड़की या 6 लड़की 7 लड़की जो हो सकेगा शादी का भी प्रोग्राम का हम लोग लिया है। और ब्लड डोनेशन कैंप हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो, आई चेकअप हो, सब हम लोग करते रहेंगे। अब्दुल्ला साहब आपको चेयरमैन बनाया गया है तो फिर किस तरीके से आप संगठन को देखेंगे, जैसे जिम्मेदारी मिली है आपको? मिली है जी, उसी तरीके से लेके चला जाएगा जी, अच्छे ही ढंग से। हाँ गार्जियन आपकी सरपरस्ती रहेगी तो इंशाल्लाह पूरी रहेगी। 2 सालों में अदारा ने क्या क्या काम किए उसका थोड़ा सा 2 साल मुख्तसर खाका पिछले वो काम कौन करेगा बताओ भाई। देखिए फ्यूचर प्लान में ये है कि जैसे कि सौराब भाई आए थे तो सौराब भाई वहाँ एक प्रोग्राम जो है वो किला बगान बैतुल महल में रखते हैं, शादी का प्रोग्राम रखते हैं। तो मेरा एक्चुअल यही मकसद था कि वो जो शादी का प्रोग्राम वहाँ गरीब बच्चियों की शादी जो हो रही है, इसी तरीके से 43 वार्ड में परवेज़ इकबाल, अब्दुल्ला भाई, मुबीन साहब जैसे लोग इसमें जो है इस तरीके का शादी का एक प्रोग्राम स्टार्ट हो, ताकि आने वाले दिनों में परवेज़ साहब, अब्दुल्ला साहब और मुबीन साहब या आदिल साहब या जो यहाँ के जो काम करने वाले हैं या दानिश बाबू हैं हमारे शहबाज हैं या जितने भी लोग हैं, इनका नाम जो है वो मकबूलियत पे पहुंचे और लोग इनको इज्जत की निगाह से देखें कि हाँ ये लोग भी हैं जो छोटे तरीके से प्रोग्राम करके हाई डेवलपमेंट करके आज 50-100 लड़कियों की शादी जो है करने का काम कर रहे हैं। पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। दादी साहब आप यूथ है, यंग है, इदारे का असिस्टेंट अब यूथ है, यंग है, इदारे के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, जिम्मेदारी मिली है, तो आपका क्या प्लान है, किस तरीके से इदारा को आप आगे बढ़ाएंगे? पहले तो आप लोग सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये अमन सेंट्रल कोलकाता अमन फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, इसमें से 3-4 साल से बहुत लोग बड़े छोटे सब काम कर रहे हैं, जैसे मेरे बगल में शहबाज हैं, मेरे भाई हैं, अली भाई हैं, मुबीन चाह जनरल सेक्रेटरी, सज्जाद चाह, जहांगीर चाह, इन लोग सब बड़े अदारे के लोग हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल सकूँ, पर इन्हीं लोग से सीख के आपके अंदर आजीज़ी इनके सारी आप काम तो बहुत बड़ा करते हैं, अपने आप को शो नहीं। नहीं नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी है, कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ हमेशा ज़रूरत से पहले नहीं किया जाता, जब अल्लाह ज़रूरत और मौका दे तब किया जाता है। संगठन का मकसद किसी लोग को कॉर्पोरेशन इलेक्शन में सपोर्ट करना तो नहीं है? नहीं नहीं, ये एक फाउंडेशन है कि एक ऐसा चीज़ है कि एक शांता है कि किसी गरीब बुजुर्ग कोई भी वेलफेयर सोसाइटी के ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग को काम करना है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल कलकत्ता अमन फाउंडेशन में जो नए चेयरों को लिया गया वो सब एक जिम्मेदार लोग इस कमेटी से जुड़े हैं, और सेंट्रल कलकत्ता अमन फाउंडेशन के अंदर में जितने भी लोग हैं वो सब एक जिम्मेदार लोग हैं। मैं पर्सनली इस
कमेटी के जितने मेंबर हैं पर्सनल में उनसे बहुत अच्छा रास्ते में हूँ। असा माशाल्लाह बहुत दीनदारी बहुत ईमानदारी से वो लोग काम करते हैं और पर्देदारी में वो लोग एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं। इस कमेटी के जितने जिम्मेदार लोग हैं मैं ये दावे का साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त में अमन फाउंडेशन का भी बहुत बड़ा नाम होगा और इसके जो जिम्मेदार लोग जो बड़े रवा हैं मेरा भाई मेरा तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी है मोहम्मद रबी हमारे भाई अब्दुल्ला भाई है हमारा छोटा भाई जो बहुत जल्दी पार्टी से जुड़ा शहबाज है अली है अमीर भाई है अकरम है सभी लोग हैं सब जिम्मेदार लोग हैं इंशाल्लाह और उम्मीद करते हैं कि ये सब जो कमेटी से जुड़े रही है यंग जनरेशन ये कमेटी बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह।